हमने केरला मॉडल देखा, भीलवाड़ा मॉडल देखा और अब छत्तीसगढ़ मॉडल की भी बात हो रही है क्योंकि वहां के रिकवरी रेट की बहुत ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं। तो ये संभव कैसे हो पाया है मिस्टर देव? अभी तक जो बात आ रही है, एक तो सौभाग्य को बहुत बड़ा हिस्सा देना चाहिए यहाँ की स्थिति के लिए, क्योंकि और ज्यादा आंकड़े हो सकते थे, चिंताजनक आंकड़े हो सकते थे, लेकिन हम लोग लकी रहे हैं कि 18 तक ही अभी सीमित है और उसमें भी 9 लोग निजामुद्दीन कनेक्शन के 9 लोग हैं। जो हम लोगों ने काम किया वो थोड़ा जल्दी चालू करने का काम किया, 27 जनवरी से ही, 26 जनवरी की परेड, उसके पहले 4-5 दिन प्रशासन उसी में लगता है तैयारियों में। तो जैसे ही उससे आगे हम बढ़े तो हर जिले में रैपिड रिस्पांस टीम खड़ी की गई कलेक्टर की अध्यक्षता में, ताकि इंटर डिपार्टमेंटल अलग अलग विभागों की समन्वय करके वहां पर काम हो सके। जहां तक वेंटिलेटर्स का सवाल है, आईसीयू बेड्स का सवाल है, पीपीईज का सवाल है, मास्क, सैनिटाइजर्स, इन सब की उपलब्धि कैसे संभव हो पाई छत्तीसगढ़ में? कल के लिए हमारे पास कमी है, आज के लिए क्योंकि जैसा अभी बात हुई कि 18 ही केस आए हैं, तो स्वाभाविक है कि 18 केस और करीब 3000 हमने टेस्टिंग की है, तो इसमें दिक्कत नहीं थी। शुरुआत हमने अपने तरफ से अगर जल्दी की तो हम भारत सरकार से भी संवाद करके, आईसीएमआर से संवाद करके बराबर बात रखते रहे कि टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ाइए। जहां हम पहले 10-15-20-25 टेस्टिंग कर रहे थे, आज कम से कम 350 टेस्ट हम डेली, 350-400 टेस्ट डेली कर पा रहे हैं। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया है कि अब जो प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में टेस्टिंग करनी होगी और इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, अब छत्तीसगढ़ में इसको लेकर क्या रिएक्शन है इस समय? इसमें हमारे यहाँ जो प्राइवेट लैब्स हैं, एक तो उनकी स्थिति यहाँ टेस्टिंग की नहीं है, वो सैंपल ले रहे हैं और मुंबई भेजते हैं और वहां से सैंपल टेस्टिंग होके वापिस आने की है, तो अभी तक वहां चालू नहीं हो पाया है। लेकिन मान लें कि अगर सैंपल वहां भी लेंगे तो बात इस बात की केवल आएगी कि वो पैसा कौन देगा। अगर 4,500 रुपए पहले टेस्ट के लेने थे तो क्या आयुष्मान जैसी योजना के तहत या सरकार, राज्य सरकार अपने से देगी या केंद्र सरकार कुछ हिस्सा देगी, राज्य सरकार कुछ हिस्सा देगी, 50-50 होगा, 70-25 होगा, 60-40 होगा, उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? सुप्रीम कोर्ट का तो एक डायरेक्शन आ गया है और वो लागू हो गया, वो देश के लिए कानून बन गया। अगला जो कदम होगा केवल वो ये होगा कि इसका पैसा कौन देगा। आप जो कह रहे हैं, क्या उससे ये मैं मानूं कि ये जो पूरी गलती थी ये केंद्र सरकार की तरफ से थी और अगर उन्होंने अपने स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स को ज्यादा स्ट्रिक्ट, ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया होता तो शायद इतने केसेस जो अब नजर आ रहे हैं हमारे सामने पूरे देश में, वो शायद उतने केसेस नहीं सामने आते? उसको गलती माने या निर्णय माने, क्योंकि यूरोप के देशों ने भी यही किया, बहुत सारे देशों ने उसको नहीं माना कि इतना संक्रमण हो सकता है टेस्टिंग या सावधानी। अमेरिका हमसे कहीं ज्यादा संसाधन वाला देश है, हम उनके नजदीक भी नहीं पहुंच पाएंगे संसाधन में, फिर भी वो बड़े पैमाने पे ग्रसित हो गए। इन परिस्थितियों में जो नीतिगत अंतर है, उसको गलती कहें या नीतिगत, वहां भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मैं तो साधारण जानकार। आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि नीतिगत गलती हुई थी या केयरलेसनेस बोले या इग्नोरेंस बोले, आपके हिसाब से अगर मैं आपसे एक डायरेक्ट आंसर इसका पूछूं तो आप क्या कहेंगे? टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए, पहले दिन से ही टेस्टिंग प्रोटोकॉल लिबरल होना चाहिए था और खुला होना चाहिए था, इसका दायरा बड़ा होना चाहिए था। बहुत सारी पॉलिटिक्स भी नजर आई इस दौरान, जब हम पूरी इस कोरोना से पूरा विश्व, भारत इस समय लड़ रहा है, तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से एक कम्युनल कलर देने की कोशिश की गई थी, वहां पर आप गलती किसकी ठहराएंगे अगर मैं आपसे पूछूं तो? कम्युनल कलर कतई नहीं देना चाहिए ये सब परिस्थितियों में, जमात के लोगों से गलती हुई ऐसा आयोजन करना, इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती, ये कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थितियों में जब ये जानकारियां थी और ऐसे डायरेक्शंस भी थे कि ऐसे गैदरिंग्स हमको नहीं करने, शायद दिल्ली सरकार ने 200 समय किया था, बाद में 50 लोगों की जमात नहीं होनी चाहिए कहीं, ऐसी व्यवस्था बना रखी थी, तो ये एक गैर जिम्मेदाराना आयोजन हुआ, इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती।
लेकिन बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज आ रही हैं कि केंद्र सरकार ने शायद इसको जानबूझ के किया हो और इस मुद्दे को पनपने दिया ताकि जो ये हिंदू बना मुस्लिम वाला जो पूरा इशू है इसे और फ्लेयरअप किया जाए। इस तरीके की बहुत सारी जो एक नैरेटिव है वो नज़र आया सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे लोग इसको लेकर बातचीत करते हुए नज़र आए। कितनी क्रेडिबिलिटी आपको लगती है इस थ्योरी में? जानबूझ के कोई ऐसा करेगा, इतना दूर सोच सकता है? ये मुझे तो नहीं लगता, ये तो बहुत ही क्रूर सोच हो जाएगी। गलती ये जरूर केंद्र सरकार की व्यवस्था या जो पुलिस व्यवस्था थी उनसे निश्चित रूप से गलती हुई। उन्होंने आयोजन होने कैसे दिया जब 200 लोगों की लिमिटेशन था और हजारों की संख्या में थी और पुलिस थाने के बगल में हम लोगों ने सुना कि वो जमात की गतिविधियां चल रही थी। तो देश की राजधानी में पुलिस इतनी अलर्ट नहीं है, ये बहुत असुरक्षा की भावना देता है।